हेलो दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैन धर्म के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके दोस्तों, अब चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ता हूँ। इससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है, लिंक में दिया गया, आप देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, जैन धर्म या महावीर, आप देखिए क्या होता है। पृष्ठभूमि, जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। बोलेगा जैन धर्म के संस्थापक प्रथम कौन थे? ऋषभ थे, यानी आदिनाथ ऋषभनाथ थे। अब बोलेगा 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। बोलेगा 23वें तीर्थंकर पारसनाथ वाराणसी के थे। मैं भी वही दोस्तों का वाराणसी का हूँ। वाराणसी आप आइए घूमने, बहुत अच्छा है यहाँ का जगह। अब देखिए इनके पिता का नाम अश्वसेन, यानी वाराणसी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति सम्यक पर्वत पर। चार शिक्षाएं, सत्य जो सत्य बोलने वाला, अहिंसा जो हिंसक न करने वाला, अस्तेय जो है किसी पे जो है जुर्म न झाड़ने वाला, अपरिग्रह यानी कि जो धन संपत्ति न करने वाला। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महावीर स्वामी। अगर बोलेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, आप महावीर को लगाइएगा। अगर बस ओरली पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव आदिनाथ को भूलिएगा। ओके दोस्तों, देखिए जैन धर्म, जन्म जो महावीर स्वामी के बारे में बताने वाला हूँ। जन्म 540 BC में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। मृत्यु 468 BC में यानी पावापुरी 72 वर्ष में हुआ था। ये जो है वैशाली वही है जो अलार कलाब जो है यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु रहा करते थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था यानी गायत्री कुल के थे। माता त्रिशला था यानी जो है चेटक की बहन। याद रखिएगा, बोलेगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया देवी था। आप जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म दोनों रिलेट करके पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा दोनों। माता त्रिशला यानी चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा यानी प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब इसके बाद देखिए, गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन से। अब याद रखिएगा, ये तो 30 वर्ष की आयु पर गृह त्याग किए थे, लेकिन बोलेगा गौतम बुद्ध 29 वर्ष में जो है गृह त्याग किए थे, जिसे महावीर निष्क्रमण बोला जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बरी ग्राम यानी साल वृक्ष यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। बोलेगा गौतम बुद्ध को पुनपुन नदी या निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अरहंत योगी निग्रंथ महावीर साधना की प्राप्ति। अब याद रखिएगा, ये 12 वर्ष बाद जो है कैवल इनको कहा जाता था। जो है ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसको कैवल बोला जाता है। जीन यानी विजेता, जो सब चीजों पे विजेता अच्छे से हासिल कर लिया हो। अरहंत यानी योगी निर्ग्रंथ होता है महावीर साधना के प्रति समर्पण। और गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनको बुद्धत्व बोला गया था, पाली भाषा में बोला गया था। प्रथम उपदेश राजगृह, प्रथम शिष्य जमाली कहिए या जामनी कहिए, दोनों एक ही मतलब होता है। लेकिन बोलेगा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद थे। इन्होंने जो है देखिए क्या बताया, संसार दुख फल है तथा दुख का कारण कर्मफल है। इन्होंने त्रिरत्न दिया था, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण, सुख दुख में समान भाव। पांच महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया। याद रखिएगा, आत्मा पुनर्जन्म कर्म मोक्ष पर में विश्वास करते थे, यानी जैन धर्म में आत्मा पुनर्जन्म इस सब में विश्वास किया करते थे। अब इसके बाद देखिए, ईश्वरवाद एवं अनेकवाद का संबंध जैन धर्म से है। आत्मवादियों एवं जो है नास्तिकों के बीच का मार्ग कहा जाता है, नास्तिकों के बीच यानी जो ईश्वर को ना मानने वाला। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो
वीडियो है जैन धर्म का, इसका मैं बचा हुआ पार्ट सेकेंड वीडियो में ला दूंगा। ओके दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो ऐसे अपलोड करे आपके यहाँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।